जो है वो कुफ्र है, और हमको हालात से डरना नहीं है और हालात से दबना भी नहीं। हमको हमारी जो बात है वो मजबूती के साथ, हमारे हुकूक की बात, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको राइट दिए उन बातों को हमको लेकर के चलना है। चेकिंग के नाम पे वहां की पुलिस पे 400-500 पुलिस का धाड़ा, जो पूरा इलाका, ज्यादातर मुस्लिम समाज का इलाका है मामलों का, तमाम वहां के लोगों को बुला करके पकड़ के दोपहर 2 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक उनको बिठा दिया गया। उनको यह नहीं बताया कि उनको पकड़ के लाया गया, लेकिन एक दहशत फैलाने के लिए। और देखने की बात यह है कि उस बात को हमारे तक पहुंचने में 5 दिन लगे। इतने वहां के आगेवान, वहां के रहबर इतना डर चुके थे, वो बात भी उन्होंने हमको नहीं पहुंचाए। लेकिन कल जब देश लाइव के अंदर जो साहब पुलिस एक देश लाइव, उसके अंदर मैंने इस चीज को जब मैंने सुना तो मुझे पता चला क्या बात है। हर बात हमें पता चलती, बात भी पता चली, बताया कि लोग इतने सहमे थे, डरे हुए थे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वक्त वैसे ही कमी है। मौजूद जो हमारे मेहमान इस मंच पे आए हुए हैं, सलमान खुर्शीद साहब, अबू आसिफ आजमी साहब, रहमान साहब, हमारे अहम गुजरात के मंच के नेता सलमान अमित चावड़ा जी और सभी दोस्तों साथियों, दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में पिछले कुछ आखिरी दशक से कोई अच्छी खबर हमारे लिए नहीं आई। चारों तरफ अंधेरा, जुल्म और नाइंसाफी। ऐसा लगता था कि इसके सामने कब कैसे आवाज उठाई जाएगी, लेकिन मैं बहुत अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूं कि जो काम मोहम्मद अदीब साहब ने शुरू किया, और जब मैंने उनके जो लेक्चर जो उन्होंने सुने, उनके जिन जज्बातों को मैंने सुना और किस जज्बे और किस जुनून के साथ उन्होंने बात की, एक नई हमारे लोगों में उन्होंने हिम्मत भरी। क्योंकि वैसे भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि मायूसी जो है वो कुफ्र है, और हमको हालात से डरना नहीं है और हालात से दबना भी नहीं। हमको हमारी जो बात है वो मजबूती के साथ, हमारे हुकूक की बात, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको राइट दी है, उन बातों को हमको लेकर के चलना है। आज ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले हफ्ते अमित चावड़ा जी ने गुजरात विधानसभा के नेता होने के नाते और एक समाज के रहबरी करते हुए इन्होंने जो गुजरात विधानसभा के बाहर एक कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम का मकसद ही यह था कि ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी और आदिवासी समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर बेदारी आए, उनके हुकूक मिले और साथ में मिलकर के सब लोग उसका मुकाबला करें, उसकी एक जद्दोजहद कोशिश जो अमित चावड़ा जी ने की थी, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उस पर हमारे जो माइनॉरिटी समाज के जो उसको बहुत अच्छे से फोकस किया था उस वक्त में। आज भी हम उनसे ये कहते हैं अमित चावड़ा जी से कि आप यहाँ का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और ओबीसी, इसका एक बड़ा सम्मेलन करिए, तमाम समाज के लोगों को इकट्ठा करिए, उसके साथ सारा बसारा कंधे से कंधा मिला करके मुस्लिम समाज भी आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लड़ाई है वो लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि साजिशों का दौर है और आप जान रहे हैं। मेरा तो ईमान की और यकीन की है कि साजिशें जमीन में बनती है लेकिन फैसले आसमान से उतरते हैं, और इंशाअल्लाह चुनाव होने की जरूरत नहीं है। हमको इस काम को हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इसको अंजाम देना है। लेकिन सिर्फ आखिरी बात करके बात को पूरी करूंगा कि अक्सर ये देखा गया है कि समाज के अंदर बहुत जज्बे के साथ, बहुत जुनून के साथ एक कार्यक्रम होता है और बहुत बातें, बहुत लेक्चर, बहुत सब, लेकिन उसके बाद जब देखो पीछे पड़ेंगे तो बाद में कुछ नहीं होता। तो ये ऐसा ना हो, क्योंकि मैं आपको कहूं कि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गुजरात में, मैं इमरान खेड़ावाला, यूस पटेल वगैरह सभी लोग, हम लोग एक कार्यक्रम गुजरात में नॉन पॉलिटिकल लोगों को करने वाले थे, इसी अगस्त के आखिर में करने वाले थे, लेकिन 6 तारीख के करीब जब वजीर खान भाई हमको मिले और वजीर खान भाई ने डीसा के प्रोग्राम में कहा कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे कर रहा हूँ और अदीब साहब वगैरह और उनकी पूरी टीम, सलमान खुर्शीद साहब आने वाले हैं, उसी वक्त मैंने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया कि जब इतने बड़े रहनुमा जो पूरे हिंदुस्तान की रहनुमाई कर रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं, वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके साथ लेकर उनको मजबूत करो, उनकी ताकत से। और ये काम हमको हर जिले में ले जाना पड़ेगा, हर शहर में ले जाना पड़ेगा, हर तालुके में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जब ना इंसाफी होती है तो ना इंसाफी जिसके साथ होती है तो मिट्टी में वो अकेला पड़ जाता है। आज
चुनाव बिहार प्रदेशों में हिम्मत नहीं रही है कि लोग अपनी बात को रख सके। दो दिन के पहले का जो मामला मांगरोल में बना है वो बहुत ही चौंका देने वाला मामला है। सरप्राइज जो थी चेकिंग के नाम पे वहां की पुलिस पर 400-500 पुलिस का धाड़ा, जो पूरा इलाका ज्यादातर मुस्लिम समाज का इलाका है मामरूल का, तमाम वहां के लोगों को बुला करके पकड़ के दोपहर 2 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक उनको बिठा दिया गया। उनको यह नहीं बताया कि उनको पकड़ के लाया गया, लेकिन एक दहशत फैलाने के लिए। और देखने की बात यह है कि उस बात को हमारे तक पहुंचने में 5 दिन लगे। इतने वहां के आगेवान, वहां के रहबर इतना डर चुके थे, वो बात भी उन्होंने हमको नहीं पहुंचाए। लेकिन कल जब देश लाइव के अंदर जो साहब पुलिस एक देश लाइव उसके अंदर मैंने इस चीज को जब मैंने सुना तो मुझे पता चला क्या बात है। हर बार हमें पता चलती बात भी पता चली, बताया कि लोग इतने सहमे थे, डरे हुए थे। तो ये माहौल है, ऐसे वक्त के अंदर हम लोग हर जिले हर तालुके में मिलकर के हम लोग अच्छा संगठन बनाए। आप बिल्कुल ये काम को आगे बढ़ाए, वक्त की हालात की जरूरत है और पूरा साथ और पूरा समर्थन ये जो IMCR की जो टीम है उसको हमारा हर तरीके से तन मन और धन से रहेगा। और वसीम भाई से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप इस काम को आगे बढ़ाओ। ये काम को हमको सबको मिलकर के करना पड़ेगा, ये काम अब किसी एक दो आदमी का नहीं रहा है, पूरे समाज को मिलकर करना पड़ेगा। इतनी बात करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। लड़की को अन्याय हुआ था, फर्स्ट नंबर में आने के बाद भी कुछ लोगों ने उसको इनाम नहीं दिया, वो नाराज हुई। मगर आज पूरे गुजरात के मुस्लिम समाज के लोग उसका सम्मान करेंगे और सम्मान करके गुजारिश करूंगा कि वो लोग आकर वही बच्ची है जो नंबर एक पर थी लेकिन उसको दूसरे नंबर की लड़की को आगे करके उसका वोट दे दिया गया। आप देखें कि किस तरीके से पालनहार ईश्वर के अंदर इसको इज्जत बख्शी, कि जिस स्कूल ने इसको साइड में कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अल्लाह इज्जत बख्शता है। आपको देखिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।